नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ LMU के जितने भी स्टूडेंट हैं जिसने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखे हुए हैं, तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के पेपर टू से मैं आप लोगों को VBA सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो आपके 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी के बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाए तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक चिंतन का स्वरूप एवं विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए, अथवा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। ये क्वेश्चन 2017 और 2019 में पूछी गई है। 95% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको 2021 के एग्जाम में पूछी जाएगी। इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको 2016 में पूछी गई थी, उसके बाद 2019 में पूछी गई। 95% चांसेस है कि इस क्वेश्चन को भी 2021 के एग्जाम में रिपीट की जाए। इस क्वेश्चन की भी तैयारी आप लोग अच्छे से करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा वर्णित राजनय अथवा राजत्व संबंधित सिद्धांत पर प्रकाश डालें, अथवा कौटिल्य के राजा संबंधी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन 2017 में पूछी गई थी, उसके बाद अब तक रिपीट नहीं की गई है। 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको 2021 के एग्जाम में रिपीट कर दी जाए। इस क्वेश्चन की भी तैयारी आप लोग अच्छे से करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में दयानंद सरस्वती के अवदानों की परीक्षण करें। ये क्वेश्चन 2016 में पूछी गई थी, उसके बाद अब तक नहीं पूछी गई है। इस क्वेश्चन की भी 90% चांसेस है कि आप लोगों के 2021 के एग्जाम में पूछी जाए। इस क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों का विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन 2017 और 2019 में पूछी गई है। 2021 में 99% चांसेस है इस क्वेश्चन को पूछे जाने की। इस क्वेश्चन की तैयारी आप लोग अच्छे से करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तिलक के राष्ट्रवाद की विवेचना करें, अथवा तिलक के राजनीतिक दर्शन का विवेचन करें। ये क्वेश्चन 2017 और 2019 में पूछी गई है। 99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको 2021 के एग्जाम में रिपीट कर दी जाए। इस क्वेश्चन की भी तैयारी आप लोग अच्छे से करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल्यांकन कीजिए, अथवा गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों का मूल्यांकन करें। ये क्वेश्चन आपको 2016 में पूछी गई है, 2018 में पूछी गई है, 2020 में पूछी गई है। कभी कभी क्या होता है, दो दो साल के अंतराल में जो भी क्वेश्चन पूछी जाती है उस क्वेश्चन को फिर उसके नेक्स्ट ईयर ही पूछ दी जाती है। तो 99% चांसेस है उस क्वेश्चन को भी आपके 2021 के एग्जाम में पूछे जाने की। तो इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरविंद जी के राजनीतिक विचारों की समीक्षा कीजिए, अथवा भारतीय राजनीतिक चिंतन में अरविंद घोष के योगदानों का वर्णन करिए। ये क्वेश्चन आपको 2017 और 2019 में पूछी गई है। 99% चांसेस है कि इस क्वेश्चन को आपको 2021 के एग्जाम में रिपीट कर दी जाए। तो इस क्वेश्चन की भी तैयारी आप लोग अच्छे से करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह सिद्धांत की विवेचना करें। ये क्वेश्चन 2017 और 2019 में पूछी गई है। 2021 के एग्जाम में 99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट कर दीजिए। इस क्वेश्चन की भी तैयारी आप लोग अच्छे से करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा सिद्धांत की विवेचना करें। ये क्वेश्चन 2016 में पूछी गई है, उसके बाद अपडेट रिपीट ही नहीं की गई है। 90% चांसेस है कि इस क्वेश्चन को आपके 2021 के एग्जाम में रिपीट कर दी जाए। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सामाजिक और आर्थिक दर्शन की आलोचनात्मक परीक्षण करें, अथवा
महात्मा गांधी के न्यासिता एवं सर्वोदय संबंधी विचारों की व्याख्या करें, यह क्वेश्चन 2016 में पूछी गई है, उसके बाद अब तक रिपीट नहीं की गई है। इस क्वेश्चन की भी 90% चांसेस है कि आपको 2021 के एग्जाम में पूछी जाए। इस क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर आम्बेडकर के धर्म पर विचारों की विवेचना करें। यह क्वेश्चन भी 2016 में पूछी गई है, उसके बाद अब तक रिपीट नहीं की गई है। 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आप लोगों के नेक्स्ट ईयर एग्जाम में आएगी 2021 में। इस क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक विचारों का मूल्यांकन करें अथवा वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के विषय में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों की समीक्षा करें। यह क्वेश्चन 2018 में पूछी गई है, उसके बाद अब तक रिपीट नहीं की गई है। 85% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको 2021 में पूछी जाए। इस क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए तथा दलितों द्वार के लिए किए गए उनके कार्यों की विवेचना कीजिए अथवा अछूतों द्वार संबंधी अम्बेडकर के विचारों की मूल्यांकन करें। यह क्वेश्चन 2017 और 2019 में पूछी गई है। 99% ये क्वेश्चन आपको 2021 के एग्जाम में रिपीट की जाएगी। इस क्वेश्चन की तैयारी आप लोग अच्छे से करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहिया के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का परीक्षण करें। ये क्वेश्चन भी 2016, 2018 और 2019 में पूछी गई है। 95% चांसेस है 2021 में भी पूछी जाएगी। इस क्वेश्चन की भी तैयारी आप लोग अच्छे से करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य नरेंद्र देव के सामाजिक विचारों का वर्णन करें। यह क्वेश्चन 2017 और 2019 में पूछी गई है। 95% चांसेस है 2021 के एग्जाम में पूछी जाएगी। इस क्वेश्चन की तैयारी आप लोग अच्छे से करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारों को लिखे। ये क्वेश्चन 2016 में पूछी गई थी, उसके बाद अब तक रिपीट ही नहीं की गई है। 85% चांसेस है इस क्वेश्चन को 2021 के एग्जाम में रिपीट कर दी जाए। इस क्वेश्चन की भी तैयारी आप लोग अच्छे से करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य संसदात्मक प्रजातंत्र पर जयप्रकाश नारायण के दृष्टिकोण की विवेचना करें अथवा लोकतंत्र संबंधी जेपी के विचारों को लिखें। ये क्वेश्चन 2018 में पूछी गई है, इसके बाद अब तक रिपीट नहीं की गई है। 85% चांसेस है इस क्वेश्चन की 2021 के एग्जाम में पूछे जाने की। इस क्वेश्चन की भी तैयारी आप लोग अच्छे से करेंगे। मैंने आपको जितने भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताया है, उस क्वेश्चन की तैयारी आप लोग रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर लेकर करें। और हाँ, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।